स्वागत है आपका इन स्पोर्ट्स क्रिकेट एक्सप्लोर में। आज का फाइनल हमारा जो आईपीएल जो चल रहा है, अभी तक दो महीने से जो मेहनत कर रहे थे, आज उसका कल उसका फाइनल है। फाइनल के मेरे पास देखिए चेन्नई के कुछ प्लेयर कुछ फैंस है, मेरे पास जीटी के कुछ फैंस है, चेन्नई के फैंस की तरफ से, धोनी की तरफ से जीटी के फैंस है, पांड्या ब्रदर्स की तरफ से, और काफ़ी अच्छी उभरती हुई टीम है जीटी, लास्ट टाइम डिफेंडर चैंपियंस, ये लोग चार बार चैंपियंस हो चुके हैं ऑलरेडी। तो मेरे पास अभी मैं प्लेयर्स के नेम्स और मैं चाहूँगा कि ये क्वालिफाई वन में जीटी को चेन्नई हरा चुकी है ऑलरेडी फर्स्ट क्वालिफायर में, और राउंड रॉबिन मैचेस में देखे तो क्या है, दो बार ऑलरेडी जीटी हरा चुकी है चेन्नई को। ये दोनों के लिए ऐसा है कि 2023 का चैंपियन कब बनेगा, कल का काफ़ी अच्छा मैच रहेगा, रोमांचक, और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच है, गुजरात के वर्ल्ड का बिगेस्ट स्टेडियम है, और काफ़ी पूरी दुनिया के लोग ये मैच में नज़र है, और मेरे साथ कुछ फैंस है चेन्नई के, देखिए चेन्नई के फैंस है प्रणव एवर गेसर बेटर सी एस के यूर हु इज फेवरेट प्लेयर शिवम दुबे ही इज़ अ यंगस्टर्स, ही इज डूइंग वंडरफुल ऑल द सीजन, आई सॉ इज प्लेइंग वेरी वेल, वी होप शिवम दुबे टुमारो ही प्ले वेल, ऑल द बेस्ट। फेवरेट प्लेयर एम एस धोनी, इंडियन कैप्टन एम एस धोनी योर फेवरेट प्लेयर, आई थिंक फॉर फिफ्थ टाइम ही टेकिंग द टाइटल, यस। कौन है आपका फेवरेट प्लेयर बोलिए? एम एस धोनी आपका फेवरेट प्लेयर, इनका भी एम एस धोनी, आपका पूरी दुनिया का एम एस धोनी जीत रहा है, सही है। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है जी? सर एम एस धोनी। एम एस धोनी आपका? गायकवाड़। देखिए रुद्रराज गायकवाड़ इंडिया के यंगस्टर्स है जो आगे जाके इंडिया के लिए खेलेंगे भी और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ये एम एस धोनी 20 साल से हिंदुस्तान खेले, मगर यंगस्टर्स जो है चांस दे रहे, यंगस्टर्स तो अच्छा खेल रहे यंगस्टर्स के, तो मैं इनकी राय काफ़ी अच्छी राय है। जो गायकवाड़ की राय है, गायकवाड़ शुरू में भी अच्छा खेले कि फाइनल्स में उनका चाहेंगे कि अच्छा खेले। फेवरेट प्लेयर एम एस धोनी। साई पेद फैन, ही इज अ वेरी बिग फैन ऑफ सीएसके, डोंट टेल टू एम एस धोनी, यू हैव टू टेल टू अनदर नेम, गायकवाड़, ऋतुराज गायकवाड़। चला मंदिर रविंद्र जडेजा, मोइन अली, दीपक चार, ऑल द डूइंग वेरी वेल। तो टीम वर्क ही चला मंच टीम वर्क टाइम, लास्ट टाइम चूसी ना मनम, लास्ट टाइम हम लोग देखे थे 2022 में टीम क्वालिफाई भी नहीं हुआ था आपके, तो लास्ट टाइम एम एस धोनी बोले अच्छा कम बैक करेंगे बोल के फाइनल्स में आ गया टीम। ये अच्छा मैच रहेगा, अच्छा मैच रहेगा। मेरे साथ पुनीत, बोलो फेवरेट प्लेयर और टीम को सी आपकी फेवरेट है? अजिंक्य रहाणे, सीएसके फेवरेट। अजिंक्य रहाणे, हम देखे काफ़ी आईपीएल 2019 से 2008 से खेल लेते आ रहे, मगर सीएसके में आए के बाद उनके पास शैतान आ गए क्या, ये बहुत रणा मार रहे, सही है ना? तो इंडिया के लिए कमबैक के लिए अच्छा है, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी, और 2023 में जो वर्ल्ड कप है उसके लिए भी रेडी है, करेक्ट है। ये देखिए ये राय काफ़ी अच्छी है, अजिंक्य रहाणे अच्छे उभरते हुए प्लेयर है, और मुकेश चौधरी अभी अच्छा कर रहे हैं ऊपर, सही है ना? यस। फेवरेट प्लेयर बेटा एम एस धोनी। ओके, ये पूरे एम एस धोनी के प्लेयर से देखिए, मैं बोलता हूँ कि कुछ पेस बॉलर्स है जैसा जूनियर मलिंगा, वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर, अच्छा कम बैक कर रहा जूनियर मलिंगा, ओनली 20 लैक्स में उसको लिए थे, बट स्लॉक ओवर में काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा, करेक्ट है, श्रीलंका का। ओके, और बेन स्टोक आपके कुछ भी नहीं करे, बेन स्टोक चाह रहे थे, अच्छा चांस है बेन स्टोक को, बट मोइन अली, मुकेश चौधरी का अच्छा चांस है, मुकेश चौधरी को खेल, और दीपक चाहर, अंबाटी रायडू इंपैक्ट प्लेयर के सर का खेलेंगे, अंबाटी रायडू, हाँ, या रविंद्र जडेजा का रोल काफ़ी अच्छा रोल है, बट दोनों के धोनी और रविंद्र जडेजा के बीच में कुछ यहाँ पर अनबन हुआ था, बट फाइनल में मैं चाहता हूँ कि रविंद्र जडेजा दोनों में अच्छा कॉम्बिनेशन हो, रविंद्र जडेजा और शुभम दुबे अच्छा स्कोर करें यहाँ पर, और चाहेंगे ऑल द बेस्ट बॉयज़। मैं अब कुछ मेरे पास कुछ जीटी के फैंस से अभी मिलाना चाह रहा हूँ मैं। जीटी के बारे में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, जीटी गुजरात टाइटन्स नाम से ही खौफ होता सबको, क्यों बोलते हो, हम लास्ट टाइम विनर देखे, कल का जो मैच था गुजरात का, क्या बोलते हैं कल का मैच कैसा था, वन मैन आर्मी, शेर की जो दहाड़ होती ना, शेर की दहाड़ के सर का शुभम गिल खेला कल के मैच में, और मैं चाहता हूँ कल का मैच भी शुभम गिल अच्छा खेले, और अच्छी टीम है ये, राहुल त्रिपाठी आ रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर में, मिलर हैं तो अच्छी काफ़ी अच्छी टीम है, और मैं टीम में देखा विजय शंकर उभर के आ रहे, सही है। फेवरेट प्लेयर, फेवरेट टीम आरसीबी, जीटी को सपोर्ट कर रहे हैं आप, और आपका फेवरेट प्लेयर कौन है जीटी? विजय शंकर, हम देखे विजय शंकर अच्छा यहाँ पर अच्छा चांस दे रहे, विजय शंकर को अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे, विजय शंकर अच्छा कमबैक के लिए इंडिया के लिए, विजय शंकर मेरे साथ निशित है, गुजरात टाइटन्स कौन अच्छा प्लेयर है गुजरात टाइटन्स, साई सुदर्शन, ये बात करेक्ट है। देखिए यंगस्टर्स
ये इज वेरी गुड, इसका राय इतनी अच्छी है कि साई सुदर्शन फर्स्ट दो तीन मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करा और लास्ट मैच में भी अच्छा परफॉर्मेंस करा साई सुदर्शन, ये जरूर इंडिया के लिए, ये सेलेक्टर्स के लिए खटका मारे घर पे जाके साई सुदर्शन इंडिया की टीम के लिए खेले। और मेरे साथ चप्पू बेटा कौन है आपका? शुभमन गिल। शुभमन गिल टी ट्वेंटी का नहीं, वन डे का नहीं, इंडिया टीम का नहीं, यंगस्टर्स इंडिया को आई थिंक मंची फीचर उंदी शुभमन गिल तो इंडिया की मध्य चूस्ना इपू नेक्स्ट कैप्टन चेपियु करेक्टना शबाश फेवरेट प्लेयर मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी इज द वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर मोहम्मद शमी, मैं बोल रहा हूँ इंडिया की टीम में मोहम्मद शमी टी ट्वेंटी रन दो और टेस्ट रन दो और हाईएस्ट विकेट गेटर मोहम्मद शमी। ये देखिए ये भी फेस बॉलर है, फेस बॉलर को लाइक करता। राशिद खान करामती खान अफगानिस्तानी, नूर अहमद या करामती खान चला इम्पैक्ट कर रहे हो दोनों अभी भी। अब देखिए कल भी देखिए मिलर को रोक दे के और विजय शंकर को रोक के कल उसको भी जाए लास्ट ओवर में थर्ड या सेकंड बॉल में चौका भी मारे उन्होंने। आज शबाश आपका फेवरेट प्लेयर डेविड मिलर किलर 2023 में 24 में देखिए हम लोग लास्ट में जीता के या चार चौके या छक्के मार के डेविड मिलर। और मैं दोनों टीम को इन स्पोर्ट्स क्रिकेट एक्सप्लोर से मैं दोनों टीमों को मुबारकबाद देता हूँ। मेरे साथ यहाँ पर कोई यंगस्टर से देखिए आप मिल सकते पूरे बच्चों के मेरे, और ये लोग दो महीने से वेट कर रहे थे कि फाइनल्स हो काफ़ी अच्छा फाइनल्स है गुजरात में। ऑल आर रेडी फॉर फाइनल्स बॉयज, एवरीबॉडी इज रेडी फॉर फाइनल्स इंशाल्लाह। हमारी माई ब्लेसिंग ये मेरे बच्चों में से इंशाल्लाह एक दो बच्चे तो भी IPL खेले, हम भी ऐसा इनके ऊपर नाम लिए पूरी दुनिया में नाम रखे। इसमें ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट टैलेंटेड बच्चे हैं इसमें। और दो तीन बच्चे और हैं मेरे पास आगे जाके इंडिया के लिए या IPL के लिए या रणजी ट्रॉफी खेले, मेरी ब्लेसिंग है गॉड से अल्लाह से ये बच्चे मेरे आगे जाके हिंदुस्तान के लिए खेले। ये पूरे बच्चे इसमें से मेरे मैं चाहता हूँ कि पूरे बच्चे खेले, मगर जो मेहनत करेंगा उन्हें खेलेंगा, जो आगे बढ़ेंगे जो मेहनत नहीं करेंगे उन्हें घर में बैठ के TV पे देखेंगे। ओके थैंक यू वेरी मच वॉचिंग, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। 1 2 इन स्पोर्ट्स क्रिकेट एक्सपर्ट बॉयस, 1 2 3 इन स्पोर्ट्स थैंक यू वेरी मच वॉचिंग।